ताजा तरीन खबरों के लिए बेल आइकन घंटी दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं अरशद बिसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस जगह मेवात आज तक की टीम पहुंची है वो मेवात का पुनाना शहर है। यहां पर एक जो ज्वेलरी की दुकान है, बहुत काफ़ी मशहूर दुकान है मेवात की, जेवर महल के नाम से ये दुकान है। और यहाँ पर मेरे सामने अंकल जी मौजूद हैं जिनकी ये दुकान है, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। एक बहुत गंभीर समस्या हमारे सामने आ चुकी है, क्योंकि कई टीवी चैनल ऐसे हैं जो लगातार मेवात को पूरे तरीके से बदनाम करना चाह रहे हैं। ये एक वीरों की धरती है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक सदियों से मिसाल है और जो आज भी कायम है, लेकिन बिना किसी वजह से लगातार मेवात को बदनाम किया जा रहा है। तो मैं अंकल जी से जानने की कोशिश करूँ, एक मुख्य आदमी यहाँ के। जी अंकल जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ मेवात आज तक में। पहले तो मैं सबसे पहले मेवात आज तक का शुक्रिया करता हूं जो मेरी दुकान पर आए हैं और मेरे से सवाल कर रहे हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी उम्र जानना चाहते हैं। मेरी उम्र 58 साल की है। अंकल जी की उम्र लगभग 58 से 60 साल के बीच हो चुकी है, इन्होंने काफ़ी लंबा समय देखा है और गुजारा है, तो इनसे जानने की कोशिश करूँगा। बड़ा तजुर्बेकार इंसान है। आप ये बताइए मुझे कि हकीकत, ज़मीनी हकीकत क्या है कि जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज़ और न्यूज़ नेशन और कई टीवी चैनल मेवात को लगातार बदनाम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारा भाईचारा यहाँ कायम है, आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि भाई, जब से हम देखते आ रहे हैं ना जी, हम सब यहाँ पर मुसलमान और हिंदू सब एक बढ़िया तरह रहते हैं जी। लेकिन जब भी कोई छोटी मोटी घटना होती है ना जी, तो एकदम वो बड़ा रूप धारण कर लेती है जी। फिर दोनों ही बिरादरियों में फाट पड़ जाती है जी। वो दूध देना बंद कर देते हैं, पानी की लाइनों को काट देते हैं जी। बाजार बंद हो जाता है जी। फिर जब और नहीं, फिर अगर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो ना, अमन शांति हो, तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं होता। सबसे बढ़िया इलाका है मेवात जी। ना यहाँ पर रात को कोई चोरी का डर है, ना कोई डकैती का, ना कोई लूटपाट, कुछ नहीं होता। लेकिन जब भी छोटी मोटी घटना होती हैं तो उसमें रूप धारण कर लेता है। फिर सोचते हैं कि हम इनके पैसे ना दें, इनसे सामान ना लें, ये छोटी मोटी घटना है, फिर प्रशासन साथ देता है, फिर सामान्य हो जाता है। अच्छा अंकल जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि वो टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो हिंदुओं की जो बहन बेटियाँ हैं उनको स्कूल नहीं जाने देते हैं मुसलमान, और उनको पढ़ने नहीं देते हैं, उनको घरों से उठाते हैं और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनको हिंदुओं को हिंदुओं से मुसलमान बना रहे हैं, आखिर इस पर आपको कहाँ तक सच्चाई लगती है? देखो, इस शहर में तो कोई ऐसी बात है नहीं। शहर में चुटपुट घटनाएं होती हैं कि जैसे लड़कियां पढ़ने को जाती हैं तो स्कूलों के बाहर खड़े हो जाते हैं लड़के, उनमें हिंदुओं के लड़के भी होते हैं, मुसलमानों के भी होते हैं, वो फब्तियाँ कसते हैं जी। उनसे कुछ कहते हैं, फिर वहाँ झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन सर, वो जो लड़के होते तो वो तो आवारा किस्म के लड़के होते हैं ना, आजकल लड़कीबाजी जो लोग करते हैं वो तो उस तरीके के होते हैं ना, वो स्पेशल ऐसा तो नहीं है ना कि मुसलमानों की कोई स्पेशल टोली आती है और उनको उठा के ले जाता है। ऐसा तो कहीं भी आपने कभी नहीं देखा होगा, किसी कोई बंदा नहीं बता सकता ऐसी बात, तो कि टोलियाँ आए उठा के ले जाए जबरदस्ती, वो कभी नहीं होता। अपने मन से चाहे कोई जाए, वो बात अलग है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी छोटा मोटा चैनल यहाँ से चला रहे हैं। मेरा मतलब पूछने का ये है आपसे कि हमारी जो बहन बेटियाँ हैं हिंदुओं की, उनको जबरदस्ती यहाँ से मुस्लिम उठाते हैं क्या? जबरदस्ती नहीं उठाता कोई भी, जबरदस्ती कुछ नहीं होता। लड़कियां लड़के सेट होकर के अपने आप भग जाते हैं, वो तो सर हर जगह होता है। दूसरी बात ये है कि अब जैसे आपकी ज्वेलरी की दुकान है, मैंने अभी भी देखा आपसे पहले भी यहाँ से जो ग्राहक कुछ सामान आपसे खरीद के लेके जा रहे हैं वो भी मुसलमान है, हिंदू भी आता है यहाँ पे, 80% मुस्लिम है, तो मुस्लिम ज़्यादा आता है आपकी दुकान से। बिल्कुल ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भाईचारा है इतना तो ख़राब नहीं है कि जिस तरीके से वो लोग दिखा रहे हैं? नहीं, इतना भाईचारा ख़राब नहीं है, लेकिन जो लोग करते हैं दिखाते हैं वो अपनी अपनी उनकी मर्जी है, वो क्या दिखाएं क्या नहीं दिखाएं। लेकिन नहीं, कोई लूटपाट नहीं होती दुकानों पे, कुछ भी नहीं होता। ग्राहक आते हैं, सामान खरीदते हैं, जब यहाँ हैं मुसलमान तो सामान कौन लेगा, मुसलमान ही लेंगे। आपको अपना मेवात क्षेत्र कैसा लगता है? हमें सबसे बढ़िया लगता है, और इलाकों से सबसे बढ़िया है हमारा मेवात क्षेत्र। दुनिया कहती है कि मेवात खराब है, मेवात सबसे बढ़िया, कोई भी आकर के रहेगा देख ले यहाँ पर। अपने ही देश की एक पवित्र धरती को मिनी पाकिस्तान कहना, ये कहाँ तक सही है? मेरे दिमाग से तो सही नहीं है, कह लेते हैं जो लोग, ये बात तो गलत है।
मिनी पाकिस्तान तो जब होता है जब यहाँ कत्लेआम हो रहा हो या कोई पाकिस्तान के रूल चल रहे हों, हिंदुस्तान के रूल चल रहे हैं, अब लॉकडाउन हुआ सब। मिनी पाकिस्तान का मतलब क्या, क्या यहाँ पर कोई परमाणु है, यहाँ पर कोई टैंक है, यहाँ पर कोई आर्मी है, क्या है यहाँ पर, कैसे मिनी पाकिस्तान कहते हैं इसको? मैं कह रहा हूँ उनकी सोच गलत है ना, जो मिनी पाकिस्तान कहते हैं इसको। अच्छा, देश का सबसे पिछड़ा जिला है मेवात, हरियाणा प्रदेश का 22वां जिला है मेवात, सबसे पीछे है, कोई तरक्की नहीं यहाँ पर, इसे लेकर आपका आप क्या कहना चाहते हैं? तरक्की यहाँ हो भी नहीं सकती भैया, यहाँ तो सबको वोट चाहिए, वोट मिलने के बाद फिर कोई भी काम के लिए तैयार नहीं, सब रुपए कमाने के लिए तैयार हैं, जितने भी बड़े लोग हैं ये MLA MP बनते हैं यहाँ पर कमाने के लिए ही बनते हैं, कहीं भी दुनिया में नौकरियों में पैसे नहीं लेता कोई, और यहाँ पैसे दिए बगैर ये सोचते हैं कि लगवाई नहीं गई नहीं हमको, अगर पैसे नहीं दिए तो हमने, वो खुद कहते हैं लोग पैसे ले लो, फिर ये ले लेते हैं लोग। आप हमारे चैनल के माध्यम से समाज के लिए क्या संदेश दोगे? समाज के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सब भाईचारा बना के रहें, सही ढंग से रहें, ना तो यहाँ से कोई हिंदू भगेगा, ना ही कोई मुसलमान किसी को मारेगा ना छेड़ेगा। कितने सालों से यहाँ रहते आ रहे हैं, अपने मन से कोई भी जा रहा है, मेरा यहाँ व्यापार कम है, धंधा कम है, कहीं बाहर निकल गया, लेकिन 10 जाएंगे तो 50 आते भी हैं यहाँ पर। एक बात को सुनकर मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है, मेरा आखिरी सवाल आपसे, बहुत सारे जो गाँव हैं वहाँ पर पहले हिंदू रहते थे, उनको नॉलेज तो है नहीं यहाँ के बारे में, वो तो बाहर के चैनल वहाँ पर स्टूडियो में बैठ कर कुछ भी बक देते हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारे हिंदू भाई यहाँ से चले गए हैं, क्या उनको यहाँ से भगाया गया है, या फिर वो यहाँ जैसे कोई इस इलाके में तरक्की नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, कॉलेज नहीं है, तो अपने फैसिलिटी की वजह से गए हैं, या कि किसी ने उनको भगाया है? जो गाँवों में हिंदू रहते हैं ना, वो तो अपने गाँवों को छोड़ के कहीं भी बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं जी, लड़ाई झगड़े में तो लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, बिगर अगर ये ना हो, मेवात ना हो तो जब भी होता है और जगह भी होता है, हर जगह होता है, लेकिन वो लोग चले जाते हैं कि ले अब हम दो जने रह गए, सारे भाई हमारे वहाँ चले गए फरीदाबाद, हम भी चले जाते हैं जी। और शहर में तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, शहर में तो अपने कमा के पैसा कमा के या कमाने के बाद भाई मैं वहाँ दुकान करूँगा, वहाँ बढ़िया रहूँगा, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए जाते हैं। सर ये तो मुसलमानों में होता है, अगर कोई एक घर में चार भाई है और उनमें से दो सरकारी मुलाजिम लग गए और दो जमींदार, वो जमींदार तो उसी झोंपड़ी में पड़े रहते हैं, और जो मुलाजिम है वो कोठी बना के शहर में रहते हैं, ऐसा होता कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ में पुनाना से ज्वेलरी की बड़ी दुकान है महेश चंद जेवर महल जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी हमारे चैनल के माध्यम से, बड़े निष्पक्ष इंसान हैं और उन्होंने जो बातें हमें बताई वो बिल्कुल सही बताई है, और दोनों समाजों को मिला जुला करके उन्होंने लास्ट में उनका यही कहना है कि भाईचारे में ही सब कुछ है, ये एक मेवात की जो धरती है भाईचारे से इसकी पहचान है, और जो लोग ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके इसको दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, यहाँ भाईचारा था और भाईचारा रहना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताज़ा अपडेट, तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए, हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें, तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।